ओम शांति। कई लोग ये कंप्लेन करते हैं, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं फट से डिसीजन ले लेता हूँ। अगर ये बात मुझे नहीं जची, अगर किसी का मेरे साथ का व्यवहार गलत हो गया, तो मैं उस व्यक्ति के साथ रिश्ता ही बंद कर देता हूँ, बात करना ही बंद कर देता हूँ, मैं मोबाइल से उसका नंबर ही डिलीट कर देता हूँ। अगर किसी ने मेरा अपमान किया, मुझे धोखा दिया, तो मैं उस व्यक्ति को छोड़ता ही नहीं हूँ। वो व्यक्ति मेरे दिमाग में बैठता है, आई एम वेरी इमोशनल, मैं फट से डिसीजन ले लेता हूँ। जो लोग फट से डिसीजन ले लेते हैं जीवन की कोई भी फेज में, बिना सोचे बिना समझे उनकी यात्रा शुरू हो जाती है, पश्चाताप की यात्रा। और फिर बाद में सोचते हैं, थोड़ा टाइम देना चाहिए था, थोड़ा मैंने समझ कर लेना चाहिए था, थोड़ा आपस में एक दूसरे के साथ बैठकर संवाद बढ़ाना चाहिए था, जिससे ये प्रॉब्लम हल हो जाता था। और फिर बार बार गिल्ट, पश्चाताप ये शुरू हो जाता है। इसलिए कहा, बोलने के पहले सोचो, इवन सोचने के पहले भी सोचो। और इसी के लिए मुझे अपने आप को एक बहुत सुंदर आदत लगानी है। मेरे निर्णय बहुत अच्छे हो, मैं जो कदम उठाऊं सोच समझ कर उठाऊं, जिसका एंड रिजल्ट हो समाधान, शांति, आनंद। और इसी के लिए एक बात का हम ध्यान रख सकते हैं, जैसे हम अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं ना, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ध्यान में रखेंगे न्यूट्रिशियस फूड हो, एक्सरसाइज हो, प्रॉपर स्लीप हो। इसी प्रकार मुझे मेरी मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, तो मुझे अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से उसको सेलेक्ट करना है। मैं सिर्फ वही विचार सेलेक्ट करूं जो मेरे जीवन के आनंद के, जीवन के फाउंडेशन बन सकते हैं, मेरी खुशियों भरी जीवन का आधार बन सकते हैं। ध्यान में रहे, सिर्फ एक विचार से कुछ नहीं होता, लेकिन जब मैं एक विचार को बार बार रिपीट करती जाती हूँ तो उस विचार की एनर्जी बनती है, मेरा कॉन्शियस तैयार हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे हम देखते हैं कि पानी की एक बूंद से कुछ नहीं होता है, लेकिन जब पानी की बूंदें इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, तब हम देखते हैं वही पानी एक छोटे इसमें गागर में आप ले सकते हो, वही पानी बूंद बूंद जमा होते होते एक छोटा सा तालाब, नदी और फिर सागर बन जाता है। वैसे ही अगर मैं एक नेगेटिव विचार, जैसे मेरे पास इस रिश्ते की कमी है, मुझे इन्होंने बहुत दुख दिया, या किसी ने मेरी निंदा की, वो एक वाक्य, वो एक थॉट मैं बार बार रिपीट करती जा रही हूँ, तो मेरे अंदर नेगेटिविटी का समुंदर तैयार हो जाता है। और जिस समुंदर के अंदर मैं खुद डूबती जाती हूँ। चलो इसके अपोजिट करते हैं, हम अपने विचारों को सेलेक्ट करते हैं और अपने जीवन को खुशनुमा बनाते हैं। और इसलिए हम सत्यता, प्रेम, शांति देने वाले ऐसे विचारों को सिलेक्ट करते हैं। और सिर्फ सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम उनको बार बार सोचते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे। मुझे उनको रिपीट करना है, सत्यता, प्रेम, शांति, इनको मुझे रिपीट करते जाना है, ताकि उसका अंदर में समुंदर बन जाए। और जब ऐसे विचार बन जाएंगे ना, तब देखना निर्णय कितने सुंदर होंगे। हर एक निर्णय ऐसा होगा जो मुझे समाधान देने वाला होगा, हर निर्णय मेरे मन को शांति देने वाला होगा, हर निर्णय
मुझे सत्यता की ओर लेके जाएगा और हर निर्णय मेरे जीवन की आनंद की यात्रा में मुझे मदद करेगा। तो चलिए आज सत्यता, शांति और प्रेम के विचारों का सिलेक्शन कीजिए और अपने मनोबल को बढ़ाइए और अपने जीवन को आनंद की यात्रा बना दीजिए। ओम शांति।